देश में जैन समाज के मुख्य संगठन भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन 17 व 18 दिसंबर को उदयपुर में होने जा रहा है। इस अधिवेशन में देश के लगभग 4000 जैन धर्मावलंबियों के शिरकत करने की संभावनाएं हैं। BJS के नाम से विख्यात इस संगठन की स्थापना 1985 में पुणे निवासी शांतिलाल मोथा ने की थी। स्थापना के 37 वर्ष बाद पहली बार भारतीय जैन संगठना का राष्ट्रीय अधिवेशन राजस्थान की धरा पर हो रहा है। इस समय संगठन के 1 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। वहीं इसमें करीब 500 से ज्यादा प्रोफेशनल व कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी है। 17 व 18 दिसंबर को उदयपुर में आयोजित इस अधिवेशन में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल, गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ साथ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया सहित कई गणमान्य लोग इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। इस अधिवेशन में भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। इस संबंध में भारतीय जैन संगठन जयपुर शाखा के सचिव आतिश लोढ़ा ने हमारे प्रतिनिधि अशोक बाफना से खास बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। BJS यानी भारतीय जैन संगठन, ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सन 1985 से डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पॉन्स, एजुकेशन इनिशिएटिव और सोशल अपलिफ्टमेंट में काम कर रहा है। इसकी स्थापना आदरणीय श्री शांतिलाल जी मोथा ने पुणे से की थी और आज ये संपूर्ण देश में व्याप्त है और इसमें तकरीबन 1000 चैप्टर्स में 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो भी आपका जो 17-18 को उदयपुर में जो राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, तो काफ़ी चर्चा सुनी है, काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए, हमारे पाठकों को बताइए। तो भारतीय जैन संगठना की ये प्रणाली रही है कि जो भी कार्य करें उसका अवलोकन भी करें, तो हर 2 साल में एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। चूँकि अभी पिछले 2 साल कोरोना वर्ष में बीत गए, तो ये अधिवेशन इस बार जो हो रहा है 4 वर्षों बाद हो रहा है। तो ये अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि राजस्थान को पहली बार मौका मिला है इस अधिवेशन को होस्ट करने का, और उदयपुर शहर में हम इसको करने, जिलों की नगरी में हम इसको करने जा रहे हैं। इस अधिवेशन में तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार जन प्रतिनिधि जो भारतीय जैन संगठना को पूरे राष्ट्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लोग आने वाले हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में एक MOU साइन होने वाला है, जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को वाटर रिच बनाने का काम भारतीय जैन संगठना और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगामी सालों में किया जाएगा। इसी अधिवेशन में मूल्यवर्धन, जो भारतीय जैन संगठना का एक एजुकेशन इनिशिएटिव है, बेसिक वैल्यूज एजुकेशन में कैसे इम्बाइब की जाए, उसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है। इसी अधिवेशन में 100 जिलों के ऊपर एक विशाल वाटर रैली 100 व्हीकल के माध्यम से निकाले जाने वाली है, जो 17 तारीख को सायंकाल निकाली जाएगी। सुना है काफ़ी बड़े बड़े अतिथि भी आने वाले हैं, तो कौन कौन आ रहे हैं वहाँ? इसमें सर्वप्रथम जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो आ रहे हैं। नितिन गडकरी साहब पधार रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी पधार रहे हैं, गोवा के CM पधार रहे हैं, राज्य मंत्री पाटिल साहब पधार रहे हैं। ये तो हो गए साहब राजनीतिक जगत से, इसके अलावा व्यापार जगत से वल्लभ साहब भंसाली जो इमाम सिक्योरिटी के फाउंडर हैं तथा BJS के प्रमुख मार्गदर्शक भी हैं, अभय जी फिरोदिया जो फोर्स मोटर्स के ओनर हैं एवं BJS के मार्गदर्शक हैं, ये इस तरह की बिजनेस हस्तियां भी इसमें आने वाली है। एजुकेशन सेक्टर के दिग्गज जैन राज्य जैन जो बेंगलोर से आने वाले हैं, इसके अलावा भी काफ़ी व्यक्तित्व इस अधिवेशन में जयपुर, राजस्थान और संपूर्ण भारत से आने वाले हैं।